हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आज हम यहां पर एक खराब मोबाइल चार्जर से बनाने वाले हैं हाई वोल्टेज जनरेटर। इसके अंदर हम 3.7 वोल्ट से लगभग 10,000 वोल्ट तक यहां पर जनरेट करवाने वाले हैं। वाइब चालू करते फटाफट से वीडियो को और देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। तो चलते हैं स्टूडियो के अंदर। तो भाइयों, हमें सबसे पहले लेना होगा एक खराब चार्जर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप पुराना वाला चार्जर जो होता है उससे भी बना सकते हो इसको, और नई टाइप का जो होता है उससे भी बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरे पास व्हाइट कलर का चार्जर है इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसी की मदद से हम हाई वोल्टेज जनरेटर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको ओपन करना होगा। तो इसको ओपन करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, अगर आपके वाले केस के अंदर स्क्रू है तो उससे भी आप ओपन कर सकते हो। फाइनली आप देख सकते हो इसके अंदर की जो पीसीबी हमने बाहर की साइड में निकाल ली है, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि यार ये जो है अंदर से जल चुका है, क्योंकि किसी कारण से इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया होगा और ये जल गया है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, हमें जो इसका ट्रांसफार्मर है भाइयों ये निकालना है, और आपको ध्यान रखना है कि अगर ट्रांसफार्मर जला हुआ होगा ना तो भी यहाँ पर काम करेगा, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि नया मतलब ठीक ही लेना है, आपको ध्यान रखना है पुराना वाला ही आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर निकाल लिया इसका। अब निकालने के बाद आप देख सकते हो कि इस टाइप का आपको छोटा सा ट्रांसफार्मर मिलेगा इसके अंदर से। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस ट्रांसफार्मर को खोलना होगा, क्योंकि इसको हम यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे, मतलब इसके अंदर काम करेंगे, उसके बाद हमें इसको चालू करना होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसकी जो कोर है इसको हम निकालेंगे, लेकिन मेरे साथ में एक लोचा ये हो चुका था कि मैंने जल्दी जल्दी में इसको खोला, जिससे इसकी कोर जो टूट गई है यहाँ पर। और आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपके पास एक ही ट्रांसफार्मर है तो इसको आप सुपर ग्लू से चिपका सकते हो, लेकिन मेरे पास और भी यहाँ पर पीसीबी थी तो मैंने उसके अंदर से निकाल लिया इसको। तो फाइनली मैंने इसको दूसरी बार में काफ़ी ध्यान से खोला तो ये बिल्कुल ठीक निकली है यहाँ पर। अब हमारा जो ट्रांसफार्मर है ना भाई, इसके अंदर से आप देख सकते हो कि हम खोलेंगे इसको तो काफ़ी ज़्यादा कॉपर का वायर निकलेगा, ज़्यादा तो नहीं निकलेगा लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टर्न्स रहेंगे इसके अंदर। तो इन सभी टर्न्स को हम खोल के सारा कॉपर का वायर निकाल लेंगे बाहर में, और यहाँ पर इसको बेच के करोड़पति बन जाएंगे। तो भाई कॉपर का वायर बिकता है, पुराना वाला आप ध्यान रखिए, कभी फेंक मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उसको रख लीजिए आपके पास, और ज़्यादा इकट्ठा हो जाए 1-2 किलो तो आप उसको बेच सकते हो स्क्रैप में। तो फाइनली आप देख सकते हो इसको मैंने सारा कॉपर का वायर निकाल लिया है, और यह इस टाइप की बॉडी दिख रही है। अब यहाँ पर मैं कॉपर वायर लूँगा, और ये जो कॉपर वायर है आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए। यहाँ पर 0.5 mm का हमें कॉपर वायर लेना होगा यहाँ पर, ठीक है, जिसको हमें यहाँ पर लगभग इसके अंदर 12 टर्न्स लेने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इस टाइप से पकड़ेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले इसके लगाएंगे 6 टर्न। तो यहाँ पर 12 टर्न एक साथ नहीं लगाने, सबसे पहले हमें 6 टर्न लगाने यहाँ पर। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर 6 टर्न लगाने के बाद में हमें यहाँ पर एक लूप बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा वायर बाहर की साइड में निकाल के लूप बना लिया है, ठीक है, इस टाइप से। अब लूप लगाने के बाद में हमें वापस से इसके अंदर 6 टर्न से लेने वापस। तो फटाफट से मैं ले लेता हूँ, और एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पर कट कर देंगे। तो देखिए भाई, बहुत ही कम यहाँ पर वायर की हमें ज़रूरत पड़ी इसके अंदर। अब यहाँ पर टेफ्लॉन टेप लेंगे हम यहाँ पर, और इस टेप के द्वारा हम यहाँ पर ऊपर से इसको पूरा कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लगभग इसके अंदर 5 टर्न लेने वाला हूँ इसके, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 5 टर्न लेने इसके। तो फाइनली गाइस, अब हमें यहाँ पर करना होगा बिल्कुल बारीक कॉपर का वायर लेना होगा, और ये देख सकते हो बाल के आकार का कॉपर वायर है। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, जैसे पुराने टाइप की जो घड़ी होती थी कांटे वाली, उस घड़ी के अंदर से आपको मोटर निकलेगी, और उस मोटर की जो वाइंडिंग है इस टाइप की वायर से की जाती है। तो ये वायर जो मैंने पुरानी घड़ी के अंदर से निकाला, जो दीवार पर टंगी रहती है वहाँ से। अब यहाँ पर इस वायर को हम निकालने के बाद क्या करेंगे, एक दूसरा मोटा वायर ले लेंगे, और उसके ऊपर यहाँ पर छिल के इसको इस टाइप से लपेट देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, लपेटने से पहले इसके ऊपर सोल्डरिंग करेंगे ना हम, तो सोल्डरिंग नहीं होगी इसके अंदर, हमें क्या करना हो, पेपर जो होता है सैंड पेपर, उससे हमें इसको छीलना होगा। छीलने के बाद भाइयों, हमें यहाँ पर इसको बीच में रखना है इस टाइप से, और वापस से इसके ऊपर वाइंडिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही आराम से इसके अंदर वाइंडिंग करनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 120 टर्न लेने, उसके बाद हम वापस से इसके अंदर टेफ्लॉन टेप लगाएंगे, वापस से 120 टर्न लेंगे, फिर टेप लगाएंगे, फिर 120 और फिर टेप लगाएंगे, ऐसे कर करके हमें 8 टर्न लेने, मतलब 8 लूप बनाने इसके अंदर, 120 120 के 8, ठीक है। तो ये जो काम है भाइयों, बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब बोरिंग कर देगा, क्योंकि यार मैं बनाते समय मेरा सिर दर्द करने लगा था इसको यहाँ पर, मतलब बहुत ही, एक तो पतला सा वायर है, इतना ज़्यादा पतला वायर है कि गाइस इसको अगर हमने हाथ में अगर थोड़ा सा फंस भी गया तो टूट जाता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से काम करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं धीरे धीरे करके इसके अंदर पूरे मैंने 120 टर्न के जो है 8 लूप बना दिए हैं, और एंड वाला जो सिरा था उसके अंदर भी मैंने एक वायर लगा के सोल्डरिंग करके इसको अंदर से पैक कर दिया है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक जो है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो यहाँ पर बन चुकी है। तो अब यहाँ पर इसको पूरा ट्रांसफार्मर को हम बंद कर देंगे। यहाँ पर बंद करने के बाद सुपर ग्लू यहाँ पर डाल देंगे ताकि ये बाद में खुले नहीं। और भाई वो यार वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बोलना पड़ता है, वीडियो के नए नए सर्च करके आपके लिए लाने पड़ते हैं आइडियाज़, और आपके वीडियो शूट करके एडिटिंग करके बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार देख रहे हो ना, तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अब यहाँ पर हमें एक मॉस्फेट चाहिए IRFZ44N, और ये आपको मार्केट में 15-20 रुपये में ईजिली मिल जाएगा, आप वो ले सकते हो। अब 2.2 का एक रजिस्टर लेना है यहाँ पर, और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इस डायग्राम के अनुसार इसकी वायरिंग करनी है, ठीक है। उसके अंदर बस दो कंपोनेंट लगेंगे और कुछ भी नहीं लगने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए, काफ़ी आसान सा काम है। सबसे पहले हमारे जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमने मोटे वायर की जो वाइंडिंग की गई थी उसके अंदर यहाँ पर इसको छील लेना है। छीलने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग कर देंगे इसके अंदर। सोल्डरिंग करने के बाद आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया है उसी डायग्राम के अनुसार यहाँ पर इसके अंदर वायरिंग कर देंगे। और भाई अगर आप फेसबुक पेज से इस वीडियो को देख रहे हो तो यार पेज को भी फॉलो कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, उसके अगर आपको कुछ आइडिया है कि मतलब हमें ये वाली वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, मैं आपकी कमेंट के ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स आती है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो कमेंट करके बता देना मुझे। अब यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर बॉक्स था हमारा चार्जर का, उस चार्जर बॉक्स को लेंगे और अंदर की साइड में सोल्डरिंग कर देंगे सबसे पहले। और यहाँ पर जो हमारी सेकेंडरी वायरिंग थी जो कि बिल्कुल पतले वायर से हमने की गई थी, उसके दोनों वायर लेंगे और यहाँ पर इसको लगा देंगे अंदर की साइड से। आपको ध्यान रखना जो पतला वायर था वहां पर हाई वोल्टेज आएगा, जहां पर हमने बाल जैसा वायर लगाया था। तो यहां पर इन दोनों वायर को मैंने अंदर की साइड में सोल्डरिंग कर दिया है। अब यहां पर इस चार्जर को हम वापस से पैक कर देंगे। यहां पर पैक करने के बाद आप देख सकते हो एक MDA बोर्ड का मैं पीस यूज़ कर रहा हूँ, और इसी के ऊपर यहाँ पर इसको हम चिपकाएंगे, ठीक है। तो फाइनली मैं ग्लू गन का यूज़ करूँगा और यहाँ पर इसको हम लगा देंगे इस टाइप से। अब यहाँ पर मैं 3.7 वोल्ट की एक बैटरी यूज़ करूँगा, जो कि लैपटॉप की बैटरी जो होती है उसके अंदर भी यूज़ की जाती है, और लिथियम आयन बैटरी होती है 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल। अब यहाँ पर एक स्विच का यूज़ कर लेंगे ताकि इसको ऑन ऑफ कर सके, वरना हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और लगातार ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर स्विच का हमने कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पर हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये चालू हो जाएगा, लेकिन भाई इसके अंदर जो है प्लाज्मा क्रिएट नहीं होगा अभी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दूरी पे, तो हमें इनको थोड़ा पास में ले आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने कॉपर का वायर सोल्डरिंग कर दिया है, और सोल्डरिंग करने के बाद बीच में से इसके अंदर कट लगा दिया एक, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन दोनों को हम थोड़ा दूर कर देंगे इस टाइप से। भाई यहाँ पर ये बिल्कुल आप बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसको हम चालू करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो हमारी जो बैटरी भी लग चुकी है, सब कुछ कनेक्शन हो चुका है। अब जैसे इस बटन को हम दबाएंगे और हमारे यहाँ पर ये चालू होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब अभी कुछ भी चल नहीं रहा है, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ इसको चालू करके। तो जैसे मैं इन दोनों वायर को पास में ले जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए भाई देखो इसके अंदर प्लाज्मा क्रिएट होना चालू हो चुका है, मतलब इसके अंदर शॉर्ट सर्किट जैसा होता है ना, उस टाइप से होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे इन वायर को मैं पास में ले जा रहा हूँ, इसके अंदर जो हाई वोल्टेज जो है वो यहाँ पर निकल रहा है। और भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर हाथ मत लगा देना, वरना जो है ये आपको बहुत भयंकर झटका देने वाला है। तो देख सकते हो यार भाइयों, और बच्चों को दूर ही रखना है इससे, क्योंकि यार बच्चे जो होते हैं वो हाथ वाथ लगा दे तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हाई वोल्टेज निकल रहा है इसके अंदर से। और भाई ये जो है आप इससे मच्छर मारने की मशीन जो होती है, मच्छर मारने का जो रैकेट होता है, उसको भी बना सकते हो यहाँ पर इजीली। लेकिन उसके अंदर क्या है कि ऐसे आवाज़ नहीं आएगी, कट कट करता नहीं रहेगा, लेकिन हाई वोल्टेज दौड़ता रहेगा, जैसे मच्छर आए इन दोनों के बीच में और मच्छर की फिर सामत आ गई, मतलब निमट जाएगा। टाटा बाय बाय गुड नाइट। तो आप देख सकते हो यार इसके अंदर से जो हाई वोल्टेज आता है, एकदम से इसको बंद करके वापस चालू करते हैं ना, तो शायद मेरी बैटरी डाउन हो रही है इसकी, इसलिए बंद चालू हो रहा है। और देख सकते हो यार भाई,
और घर भाइयों आप इसको घर पे बना सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बनाते समय तो गाइस ये काफी ज्यादा अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। और आपको ध्यान रखना है अगर आप इसको बनाते हो तो बच्चों से दूर रखना है क्योंकि काफी ज्यादा हाई वोल्टेज है। और आपको भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेट हो रहा है वहाँ पर उंगली नहीं करनी है, वरना आप सभी को पता है कि हमारे उंगली करने पर क्या हालत होने वाली है, बहुत भयंकर झटका लग सकता है इससे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना और चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।